ये देखो ग्रीन सब्जी, इसको बोलते हैं मानी मुनी हमारा आसम। इसमें ये पत्ते मेरे मसाले के साथ बनाएंगे। इसमें अदरक लहसुन मिलाएंगे और ये पत्ते धनिया पत्ते भी देंगे इसमें। ये धनिया की पत्ते और ये मटर अदरक लहसुन ये सारा का सारा मिलाकर बनाएंगे। ये भी है ये ग्रीन सब्जी, ये भी पत्ते, सारा का सारा पत्ते मैंने मिक्स करके मछली के साथ बनाएंगे। इसको पालेंग बोलते हैं, पालेंग। मैंने पहले मछली थोड़ा थोड़ा मतलब हाफ फ्राई कर लिया, हाफ हाफ फ्राई कर लिया। हो गया ऑयल गरम, इसमें मैं थोड़ा दे दूंगी पासपूरन। ये जो मैंने मिक्सी में गुड़ा किया है ये सारा का सारा, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगा, इसमें पानी ऐड कर दूंगा ऐसे ऐसे करके। देखो सारा का सारा पत्ते कितना ग्रेवी हो गया इसमें। ये दे दिया, उसमें हम हल्दी और नमक दूंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये है हल्दी पाउडर दिया इसमें और थोड़ा सा नमक दूंगा स्वाद अनुसार। नमक दूंगी थोड़ा सा स्वाद अनुसार, ये डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। और अभी इसको पकने देता हूँ। देखा ये हो गया, इसमें मतलब ये इसमें अभी मैं क्या डालूंगी, आलू है ना, ये आलू एक आलू मैंने काट कर डाल दिया इसमें। और ये थोड़ा धनिया के पत्ते है, थोड़ा सा अभी दे दूंगी और बाद में दे दूंगी थोड़ा सा। और इसमें अभी मैं मछली भी डाल दूंगा। ये मछली देखिए हाफ फ्राई किया मैंने मछली को, ये मछली देखिए मैंने हाफ फ्राई किया, मछली भी डाल दिया इसमें। मैं अकेले खाऊंगी ये थ्री पीस मछली, हो गया ना। अभी ये पकने देता हूँ,
बाद में देखता हूँ कैसा होता है। देखता हूँ मेरा सब्जी क्या हो रहा है। वाव, मजा, टेस्टी। इसमें मैंने दिया जो आलू है ना, ये आलू को मैं गुड़ा कर दूंगा। देखो कितना अच्छा, तब ग्रेवी बन जाएगा। इसको ऐसे ऐसे करके दे देता हूँ ऐसे। तब इसको ऐसे ऐसे कर देने से क्या होगा, सब्जी थोड़ा ग्रेवी हो जाएगा। वाव, मजा। ये है हेल्थ बेनिफिट रेसिपी। जो मटर बूट था ना, मटर है ना, मटर और जो यूनिक जो पत्ते थे, वो ग्रीन पत्ते, वो मिलाकर मैंने बनाया। तीन पत्ते मिलाकर मैंने बनाया। इसमें जो क्या बोलता है इसको, मानी मनी के पत्ते, हमारा आसाम इसमें वो ग्रीन पत्ते को बोलते हैं मानी मनी, और मानी मनी के पत्ते और बहुत सारे पत्ते हैं, उसका नाम भी मुझे पता नहीं है। वो सारा तीन चार पत्ते मिलाकर और जो ग्रीन मटर था वो भी मिलाकर मैंने मिक्सी में दे दिया। पूरा ग्रेवी हो गया। पूरा करके मैंने बनाया मछली की साग। देखो कितना ग्रेवी हो रहा है, हो गया। वो भी चने के पत्ते पहले भी दिया, वो भी थोड़ा दे देता हूँ, तो स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। जो पत्ते, धनिया पत्ते के जो खुशबू आएगा ना, इसलिए और थोड़ा सा धनिया के पत्ते दे दिया। धनिया के पत्ते दे दिया थोड़ा, और अभी ढक्कन लगा देता हूँ, थोड़ा और पकने देता हूँ। हो जाएगा मेरा रेसिपी आज का। और ये पकने देता हूँ। अभी मैं राइस को तैयारी कर रहा हूँ। थाली में राइस को ले लेता हूँ खाने के लिए। हो ही गया गाइस, ये हो गया। हो गया मेरा रेसिपी। अभी बंद कर देता हूँ गैस को। और मैं ये अभी मैं यहाँ उसको दे देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। वाओ, ये देखो खाना हो गया मेरा रेडी। ये जो मैंने बनाया मछली, और मैं और एक रेसिपी बनाया, ये मैंने लिंक दे दूँगी। और ये वीडियो मैं आज नहीं डाला, बाद में दे दूँगी ये वीडियो। आज मैंने ये और एक रेसिपी बनाया, ये पॉप के साथ बनाया। कैसे बनाया ये भी दे दूँगी मैं वीडियो। लेकिन ये दे दिया मछली का रेसिपी, ये ग्रीन पत्ते के साथ यही खाऊंगी। ठंडे की मौसम है, कैसा लगा है, थोड़ा सा खाऊंगी खाना, इसलिए और डाइनिंग टेबल में जाने के लिए मन नहीं है। यहाँ में ही खाऊंगी, थोड़ा सा खाकर जाऊंगी। टेस्ट करती हूँ मछली। खूब टेस्टी। ओके गाइस, गुड नाइट। आप लोग भी घर में बनाकर खाइए ये रेसिपी। आप लोग को और ऐसा रेसिपी चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल में ये नया नया रेसिपी मिलेगी आप लोग को, ग्रीन पत्ते की हो यूनिक रेसिपी मिलेगी। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, बुरा लगे भी कमेंट कीजिए। ओके बाय, गुड नाइट। मजा। हमेशा बैठ बैठ के खाती हूँ, आज तो बैठ कर खाने के मन नहीं है, ऐसे ही खाया किचन में। बहुत टेस्टी रेसिपी यार।
कि ठंडे के सीजन में ये रेसिपी बहुत अच्छी है, हेल्थी भी है, टेस्टी है यार। मेरे घर में आज एक मेहमान आया, उसने खाया ये पप का रेसिपी, उसने बोला बहुत टेस्टी बना, जिंदगी में पहले बार खाया बोला ऐसा रेसिपी, बहुत टेस्टी बना बोला।